उसमें कचरा भर के अपना मतलब घर का जितना कचरा है उसमें रखेंगे। अच्छा, घर कचरा रखिएगा? हाँ, मतलब रखिएगा मतलब यहाँ बोल रहे लेने नहीं, नहीं लेके अपना चौर दौल नहीं रखेंगे, हमको जो चीज यूज के लिए हमको मिल रहा है वो हम उसका मतलब इस्तेमाल करेंगे। अच्छा अच्छा, बताइए इसका मेन पर्पज क्या है बल्टी का? बल्टी का मेन उद्देश्य क्या है? कूड़ा कबाड़ा रखना है। और कूड़ा का दान इसको रखना है, मतलब सही से मतलब देहात में यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? सही से करेगा सर। करेगा ना? नमस्कार, मैं दिलीप बाबू, आप देख रहे हैं किंग न्यूज। इस वक्त अभी हम ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद है, ग्राम बाली मठिया में, कोच प्रखंड के अंतर्गत आता है गांव, वहां पे मौजूद है। और यहां पे अभी बाल्टी का वितरण किया जा रहा है, ये किनके द्वारा किया जा रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे। ये मुझे जानकारी है कि मुखिया के द्वारा मतलब वितरण किया जा रहा है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे भाई ये बाल्टी का क्या काम है और क्या एक मेन पर्पज़ है। बाल्टी तो लोग लेके जाते हैं घर में और किस तरीके से लोग यूज करते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। बाल्टी घर से यहाँ से उठा के ले चले जाएंगे, यहाँ पे साइन मोहर जो भी कर रहे हो यहाँ से करके लेके चले जाएंगे। वो बाल्टी के किस प्रकार से यूज करेंगे और इसका क्या मेन उद्देश्य है, हम ये वार्ड सदस्य जानने की कोशिश करेंगे। आइए साइड में, साइड हटो, हटो, ए हटो 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 हटो, चलिए आइए इधर, चलिए साइड हो, साइड हो, साइड हो, साइड हो, हटिए हटिए हटिए। क्या नाम है सर? नाम दिनेश पासवान। दिनेश पासवान, आप यहाँ के वार्ड सदस्य हैं क्या? हाँ जी। किसके द्वारा मतलब बांटा जा रहा है? मुखिया के द्वारा बांटा जा रहा है, मुखिया जी दिए वार्ड में कि हर एक वार्ड में बांटना है बाल्टी। तो मतलब हर एक आदमी को कितना देना है वो बताइए? दो बाल्टी देना है। दो बाल्टी, हाँ, घर पीछे दो बाल्टी, घर पीछे दो। मतलब मान लीजिए कि कोई मतलब उसके घर के मतलब अलग है, मतलब बेटा उसका अलग है, तो उसको दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? दिया जाता है। दिया जाता है ना? हाँ। तो इसमें कितना मतलब आप लोग पैसा लेते हो बताइए? पैसा इसमें तो 30 रुपया बांधा हुआ है महीना का। मतलब 30 रुपया महीना का बाल्टी का खाली देना है क्या? नहीं, बाल्टी का नहीं, तो कूड़ा उसमें घर का कचड़ा जो है, हाँ, वो घर का कचड़ा वो बाल्टी में रखेगा। अच्छा, अच्छा। आदमी चुना गया है, अच्छा। जैसे है अमृत दास, एगो अवधेश दास, अच्छा। वो दोनों मिल दोनों को चुना गया है, अच्छा। वो दोनों आएंगे सुबह सुबह और अपना सीठी बजाएंगे, गाड़ी ले रहेंगे, कचड़ा बाल्टी दूरा पे रखना है, वो अपना उठा के लेके जाएगा। मतलब उठा के ले जाके मतलब कहीं दूसरी जगह मतलब फेंकेंगे? हाँ, मतलब गांव में फेंकेंगे, दूसरी जगह फेंकेंगे? नहीं, दूसरी जगह है उसको व्यवस्था बना हुआ। अच्छा, उनको कितना सैलरी दिया जाएगा? उनको सैलरी तो ऐसे अभी 1500 रुपया बताया था, 1500, लेकिन अभी आप पूरा जानकारी, पहले शुरू में 1500 रुपया बोला था कि दिया जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए जैसे ऐसे नहीं होता है कि जैसे यहाँ से लोग लेके चल जाते हैं इसको और इसमें मतलब चावल दाल मतलब जो भी मतलब घरेलू सामान में इसको यूज करते हैं, तो ये गलत है? गलत है ना? और क्या गलत है? मतलब ये कम से कम सफाई के लिए मिला है, सफाई के काम में लाना, सफाई के लिए सर। तो चलिए, ये मेरे साथ वार्ड सदस्य जी थे और चलिए इसको हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से डब्बा है और डब्बा के दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैं चाहूंगा कैमरा से थोड़ा सीधा दिखाइएगा और डब्बा के थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। साइड में बाबू देखियो, इस प्रकार से डब्बा है और इसमें मतलब गीला हो सूखा हो मतलब कूड़ा का दान इसमें रखाया जाएगा और इसके द्वारा मतलब जो भी आदमी चुना गया है उसको वहाँ पे लेके सुबह सुबह मॉर्निंग में आएंगे, सिटी बजाएंगे, लेके जाएंगे, कूड़ा का दान बिकेंगे। तो देखिए, एक आदमी को मतलब दो डब्बा दिया जा रहा है, दिखा सकते? थोड़ा सा खोलो बाबू, खोलो खोलो। देखिए, ये भी दोनों मतलब सेम गहराई है, मतलब खाली कलर इसका मतलब चेंज है। तो इस प्रकार से हमारे बिहार को आगे बढ़ाया जा रहा है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र को, हमारे गांव देहात को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो चलिए, कुछ लोगों से हम जाने की कोशिश करते हैं कि इसका जो लिए हैं इसका क्या कैसे यूज करेंगे, इसमें दाल चावल रखें क्या रखेंगे। चलिए आइए इधर आइए, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इधर कुछ थोड़ा सा महिलाएं हैं ज़्यादा, यहाँ पर संख्या है, उनसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका, मिल गया क्या? नहीं, हमको नहीं मिला है। क्या नाम हुआ, नाम बताइए? विद्या देवी। अच्छा, जो डिब्बा मिलेगा, डिब्बा का क्या यूज कीजिएगा? उसमें कचरा भर के अपना मतलब घर का जितना कचरा है उसमें रखेंगे। अच्छा, घर कचरा रखिएगा? हाँ, मतलब रखिएगा मतलब यहाँ बोल रहे लेने? नहीं, लेके अपना चौर दौल नहीं रखेंगे, हमको जो चीज यूज के लिए हमको मिल रहा है वो हम उसका मतलब इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मान लीजिए महीना के 30 रुपया बोल रहे हो तो दीजिएगा ना? हाँ, कहा नहीं देंगे, जो अलग उससे देवे करेंगे। मान लीजिए अभी बोलेंगे कि अभी लेने के चक्कर में बोल देगा हम देंगे? नहीं नहीं, हम देंगे तो हम ले लेंगे, पर जो हमको यूज करने के लिए दे रहे हैं हम उसी चीज के यूज करेंगे। उसी चीज को आप यूज कीजिएगा ना? हाँ। क्या नाम है आपका? संजू देवी। संजू देवी, बताइए आप यहाँ पर किस लिए आए, बताइए? बाल्टी लेकर क्या कीजिएगा? कचरा उठाइएगा, उसमें चावल रखिएगा। कचरा फेंकेगा? चलिए, और यहाँ पे कुछ लोग हैं पब्लिक और कुछ उनसे जाने की कोशिश करते हैं। बताइए भैया, आप बाल्टी ले लिए क्या? बाल्टी हम कहा? बाल्टी आप नहीं लीजिएगा, आप इसी घर के हैं, वार्ड सदस्य हैं क्या? अच्छा, बताइए इसका मेन पर्पस क्या है बाल्टी का? बाल्टी का मेन उद्देश्य क्या है? कूड़ा कबाड़ा रखना है। और कूड़ा का दान इसको रखना है,
मतलब सही से मतलब देहात में यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? सही से करेगा सर। करेगा ना, तो चलिए इस प्रकार से हमारे बिहार को, हमारे देश को बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे आप देखे होंगे टाउन एरिया में सुबह में आते हैं, भिसिल मारते हैं, कचरा लेके जाते हैं, उस प्रकार से हमारे देहात एरिया में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में प्रक्रिया चला रहे हैं। और देखिए जैसे वितरण भी हो रहा है, आपको क्या राय आता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।